मिथकीय साहित्य में यदि किसी का कोई प्रताप है तो वह पुरुष का है या देवता का है, यदि कोई कुलक्षण है तो वह स्त्री का है। इसी भाव को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है एकलव्य। सोचता हूं यदि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में द्रोण को अंगूठा न दिया होता तो हमारे मिथकीय महाकाव्य महाभारत में एकलव्य किस तरह जिया होता। तब शायद किसी को भी स्वीकार नहीं होता उस अद्भुत धनुर्धर का कुजात होना, और लिखा होता किसी कुंती के हिस्से में एक और शीलभंग, एक और देवपुत्र, एक और कुंते का होना।